हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 16 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अर्थात स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एंड जूल्स एक्सपेरिमेंट एवं जूल का प्रयोग। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है एवं अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, अतः आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन DE एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और जब DE एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता है तो हम इसके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। माना कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा आयतन तथा ताप का फलन है, अर्थात E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड सो DE कैन बी रिटन एज DE हम लिख सकते हैं डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इंटू DT प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इंटू DV। और इसके बाद में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूंकि स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम देख रहे हैं, अतः आयतन स्थिर है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सो चेंज इन वॉल्यूम dV विल बी आल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो हियर dV विल बी इक्वल टू जीरो। ऑन पुटिंग dV इज इक्वल टू जीरो, द होल टर्म विल बी इक्वल टू जीरो। इन दिस होल टर्म डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इंटू dV विल बिकम इक्वल टू जीरो। सो ओनली द फंक्शन रिमेनिंग विल बी DE इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इंटू DT। और वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज वॉट, दिस इज द एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ चेंज इन टेम्परेचर, अर्थात स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन की दर, और जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज CV, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन की उष्माधारिता CV है, अतः हम लिख देते हैं DE इज इक्वल टू CV इंटू DT। हाँ, सो हेयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को हम उष्माधारिता, स्थिर आयतन की उष्माधारिता कहते हैं। इसलिए हम इसका मान यहाँ CV रख देते हैं और हमारी इक्वेशन हो जाती है DE इज इक्वल टू CV अपॉन DT। इसके बाद में इस समीकरण को यदि हम समाकलित करें ऑन इंटीग्रेटिंग, यानी समीकरण का इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन वी विल गेट डेल्टा E, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स T1 टू T2 CV इंटू DT, एंड T1 टू T2 दैट इज अपर लिमिट इज T2 एंड लोअर लिमिट इज T1, दैट इज द इनिशियल टेम्परेचर इज T1 एंड द फाइनल टेम्परेचर इज T2 एंड CV DT। नाउ इफ DT इज टेकन फॉर द फाइनाइट रेंज, देन द वैल्यू ऑफ DT दैट इज चेंज इन टेम्परेचर को हम यदि परिमित मान में लेते हैं, परिमित मात्रा में लेते हैं, सीमित परास में लेते हैं, T1 से T2 की परास में लेते हैं, तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हो जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। अब हमें पता है कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू QV, अर्थात स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा E की वैल्यू यहाँ रख देंगे QV। आगे हम देखते हैं कि यह जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सभी तंत्रों के लिए उपयोगी है, अर्थात ठोस, द्रव एवं गैसों तीनों ही तंत्रों के लिए यह इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू CV डेल्टा T इम्पॉर्टेंट है। परंतु ठोस एवं द्रव तंत्रों में प्रायोगिक कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि ठोस एवं द्रवों की संपीड्यता बहुत कम होती है और जबकि गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। अतः ठोस एवं द्रवों में संपीड्यता कम होने के कारण ताप में थोड़ी सी वृद्धि ही दाब में बहुत अधिक वृद्धि कर देती है, जिससे ठोस अथवा द्रव के पात्र का आयतन स्थिर नहीं रह पाता है। अतः या तो वह पूरी तरह से टूट जाता है या फिर उसमें कोई विकृति आ जाती है, अर्थात पात्र फट जाता है।
इसलिए हम स्थिर आयतन प्रक्रमों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से गैसीय तंत्रों के लिए ही अध्ययन करते हैं, ठोस एवं द्रवों के लिए अध्ययन नहीं करते हैं। कारण हमें समझ में आ गया, क्योंकि ठोस एवं द्रवों की संपीड्यता बहुत कम होती है और संपीड्यता कम होने के कारण दाब में थोड़ी सी ही वृद्धि से, ताप में थोड़ी सी ही वृद्धि से दाब में बहुत अधिक इनकी वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप इनका पात्र फट जाता है, या तो फट जाता है या इसमें विकृति आ जाती है। इसलिए हम गैसीय तंत्रों के लिए ही केवल स्थिर आयतन का अध्ययन करते हैं। अब हम आते हैं जूल्स लॉ पर, जूल के नियम पर। जूल के नियम के द्वारा हम ये जो फैक्टर है हमारा स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं। माना तंत्र की आंतरिक ऊर्जा उसके आयतन व ताप का फलन है, और जब आंतरिक ऊर्जा आयतन व ताप का फलन होती है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये हमने इस तरह से लिख दिया। और इसलिए हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, यानी आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हम यह समीकरण लिख सकते हैं। पहले आंतरिक ऊर्जा का वॉल्यूम के साथ परिवर्तन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और फिर उसके बाद में एडिशन में होगा आंतरिक ऊर्जा का ताप के साथ परिवर्तन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरह से हमें यह इस प्रकार से एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी इंटू डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डी वी। और चूंकि हमें पता है कि स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर स्थिर आयतन की उष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होती है, सो इट इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डी वी। अब ये जो आंतरिक ऊर्जा है, यह तंत्र की हमें पता है कि बहुत एक महत्वपूर्ण राशि है, और इसका मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, यानी महत्वपूर्ण कार्य है। इसको ज्ञात करने के लिए हम जूल्स एक्सपेरिमेंट यानी जूल का प्रयोग पढ़ेंगे, या जूल के प्रयोग को हम निर्धारित करते हैं। जूल के प्रयोग में क्या करते हैं, हम एक थर्मोस्टेट ले लेते हैं, ताप स्थाई ले लेते हैं, जिसमें हम पानी भर देते हैं। पानी भरकर हम इसमें एक तरफ टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर लगा देते हैं, तथा दूसरी तरफ इस पानी को लगातार हिलाने के लिए, यानी पूरे थर्मोस्टेट का टेम्परेचर के पानी का टेम्परेचर एक सा रहे, इसलिए इसमें एक तरफ एक स्टिरर एस विलोडक एस लगा देते हैं, तथा इसके अंदर एक जूल का उपकरण या जूल्स एपरेटस रखते हैं। जूल्स एपरेटस में क्या होता है, दो गोल बल्ब नुमा संरचनाएँ होती हैं, ए तथा बी, तथा उनके बीच में एक टैप लगी होती है। तथा हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम बल्ब ए में एक गैस भर देते हैं, ठीक है, एक निश्चित मात्रा की गैस भर देते हैं, तथा बी को खाली रखते हैं, अर्थात निर्वात रखते हैं, ठीक है। तो यह एक जूल सेपरेटस है, और बीच की जो टैप है इसको स्विच ऑफ करके रखते हैं, जिससे कि ए की जो गैस है वो बी में प्रवाहित ना हो पाए। तो हमने क्या किया, प्रथम पद में हमें ताप में परिवर्तन यानी ताप में वृद्धि पर CV में परिवर्तन को प्रदर्शित करना है ना। जो प्रथम पद है वो यह है कि ताप में वृद्धि के साथ CV में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यह प्रथम पद है। और द्वितीय पद जो है यह, और इसका मान हम जो ये प्रथम पद है इसका प्रायोगिक मान हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, और द्वितीय पद जो है वो स्थिर ताप पर आयतन में हुए परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इसलिए गैसों के लिए इसका मान हम जूल के द्वारा, जूल के एपरेटस के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस मान को ज्ञात करने के लिए जूल ने एक एपरेटस और एक विधि दी, जिसे हम जूल्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये बताया कि बल्ब ए तथा बी आपस में जुड़े हुए हैं स्टॉपकॉक द्वारा, यानी एक टैप के द्वारा जुड़े हुए हैं। वाटर थर्मोस्टेट में एक विलोडक, एक स्टिरर एस तथा एक सेंसिटिव थर्मोमीटर टी लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बल्ब ए में एक गैस भरी हुई है निश्चित मात्रा की, तथा बी खाली है।
अब हम क्या करेंगे कि माना प्रयोग के प्रारंभ में थर्मोस्टेट का टेम्परेचर टी है। अब हम स्टॉपकॉक को ऑन कर देते हैं, यानी टैप को खोल देते हैं। खोलने से क्या होगा, जो गैस है वो बल्ब ए से बल्ब बी में प्रसारित होगी, अर्थात एक्सपांड होगी, और बी में तो निर्वात है, और गैस का बल्ब ए से बी में निर्वात के विरुद्ध प्रसार होगा, और निर्वात के विरुद्ध प्रसार होने पे क्या होगा, गैस का बल्ब बी में प्रसार होगा, और गैस दोनों बल्बों में समान रूप से भर जाती है, यानी बराबर मात्रा में हो जाती है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि टेम्परेचर भी नोट किया, तो प्रसारण के बाद भी टेम्परेचर जो है वो समान पाया गया एक्सपेरिमेंट के पहले और बाद में दोनों समय, ये जो टेम्परेचर है पानी का वो समान पाया गया, अर्थात प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद ताप समान पाया जाता है, टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। और इसके साथ ही साथ बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है, और जब प्रसार निर्वात के विरुद्ध होता है या शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है, यह हमें पता है, इसलिए वर्क डन यहाँ जीरो हो गया। और चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो है, है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, अर्थात Q इज इक्वल टू भी जीरो है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि परिपार्श्विक में ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं हुआ है। अतः प्रथम नियम के अनुसार, थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, Q का मान जीरो है और W वर्क भी जीरो है, तो डेल्टा E ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, और डेल्टा E का मान ऑटोमेटिकली जीरो है और dT भी जीरो है, डेल्टा ई भी जीरो है और डी टी भी जीरो है, तो यहाँ हम देखेंगे डेल ई विल बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या होगा, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बट चूंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है और डी वी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तब हम ये कहते हैं कि ये जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी की जो टर्म है, ये इसका मान जीरो है, ठीक है, क्योंकि dV का मान जीरो नहीं हो सकता, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो होगा, तो या तो ये जीरो हो या ये dV जीरो हो, dV जीरो हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली जीरो कौन सा होगा, जीरो होगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी, अर्थात स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो जीरो हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाता है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः जूल का नियम क्या हो गया, यह हो गया इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। देखिए यहाँ है कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर जीरो है, अर्थात आयतन में परिवर्तन पर निर्भर नहीं कर रही है। तो यही नियम जूल का नियम कहलाता है, अर्थात गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, E इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यही जूल का नियम है। सो फॉर आइडियल गैसेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब यह जो नियम है, यह जूल का नियम केवल आइडियल गैसेस के लिए ही वैलिड है, वास्तविक रियल गैसेस के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, रियल गैसेस के लिए, आदर्श गैस के लिए तो इस टर्म की वैल्यू जीरो है, और रियल गैसेस के लिए यह वैल्यू का मान जीरो नहीं होता है, दैट इज इट इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो। और रियल गैसेस के लिए यह जीरो क्यों नहीं होता है, क्योंकि रियल गैसेस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाए जाते हैं, अर्थात और यह जो टर्म है, दिस टर्म एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन वॉल्यूम विद द चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, इस वैल्यू इस जो टर्म है, ये टर्म का मान, इस पद का मान को क्या कहते हैं हम, इट इज़ इंटरनल प्रेशर, यह आंतरिक दाब को प्रदर्शित करती है। तो आदर्श गैस के लिए तो आंतरिक दाब शून्य होता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए आंतरिक दाब का मान शून्य नहीं होता है, और इसको ज्ञात करने के लिए, वास्तविक गैसों के लिए इस मान को ज्ञात करने के लिए जूल गुणांक को परिभाषित किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जूल गुणांक क्या होता है। जूल गुणांक जो है यह है स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर। जूल गुणांक क्या होता है, म्यू जे
जूल कोफिशिएंट इज इक्वल टू एट कांस्टेंट एनर्जी एंड कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन टेम्परेचर। ये म्यू जे यानी जूल गुणांक कहलाता है और इस जूल गुणांक की जो वैल्यू है ये इस प्रकार से चक्रीय नियम के द्वारा निकाली जा सकती है कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डेल ई टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एनर्जी ई इंटू डेल टी अपॉन डेल ई एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी इज इक्वल टू माइनस वन। और चूंकि हमें पता है कि डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी इज इक्वल टू सी वी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, ये म्यू जे के बराबर है यानी जूल कोफिशिएंट के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इधर ले आएंगे और इधर ये क्या हो जाएंगी, ये उल्टी रेसिप्रोकल हो जाएंगी यानी डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी एल एच राइट हैंड साइड में आते ही ये इस तरह से हो जाएंगी और ये भी इसका भी इन्वर्स हो जाएगा यानी एट कांस्टेंट एनर्जी दी डेल टी नीचे की तरफ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, डेल वी न्यूमरेटर में चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट एनर्जी ई एंड दिस विल बिकम इक्वल टू, हाँ इसकी वैल्यू हम लिख देंगे सी वी, है ना, ये जब इधर चला जाएगा आरएचएस में तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे सी वी और ये जब आरएचएस में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन म्यू जे। तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और यह वैल्यू हो जाती है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू माइनस सी वी म्यू जे। और ये जो वैल्यू है इसका मान वास्तविक गैसों के लिए हम इस टर्म का मान ज्ञात कर सकते हैं और ठोस व द्रव तंत्रों के लिए जूल का प्रयोग संभव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस तथा द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए बहुत उच्च दाब की हमें आवश्यकता होती है, परंतु इस गुण का उपयोग ही इन तंत्रों की इस टर्म का इस पद का मान ज्ञात करने में सहायक होता है। अब हम इसके आगे इसमें देखते हैं कि ठोस एवं द्रव तंत्रों के लिए जूल का प्रयोग हमें पता है कि यह संभव नहीं है तथा ठोस एवं द्रवों के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए हमें अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होगी और इस प्रकार यह गुण जो है यह डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी है वो इन तंत्रों की जो मात्रा है ये डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी को हम ज्ञात ठोस व द्रवों के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस समीकरण का स्थिर ताप पर समाकलन यदि करें तो क्या होगा, इस समीकरण का स्थिर ताप पर समाकलन करने पर हमें यह वैल्यू जो है वो इस प्रकार से ज्ञात होगी E1 टू E2 यानी इनिशियल एनर्जी E1 और फाइनल एनर्जी E2 इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स E1 टू E2 DE एंड वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2 सो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स V1 टू V2 डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इंटू DV। चूंकि अब V1 और V2 की वैल्यू में अंतर कम है तो हम इस परास को हम इस परास में ये जो मान है इसको हम स्थिर मान सकते हैं और इस प्रकार से यदि ये मान स्थिर हो जाता है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं और बाहर ले लेंगे तो हमारा अल्टीमेटली इंटीग्रेशन इसका होगा E2 - E1 और इसका होगा V2 - V1। तो हमारी वैल्यूज आ गई E2 - E1 इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू V2 - V1। तो डेल ई E2 - E1 क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और V2 - V1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब चूंकि हमें पता है कि ठोस एवं द्रव तंत्रों के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल ई अपॉन डेल वी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं और ठोस और द्रवों के लिए डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम का मान भी बहुत कम होता है क्योंकि आयतन में परिवर्तन लगभग शून्य हम मान सकते हैं ठोस एवं द्रवों के लिए, और चूंकि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी का मान बहुत उच्च होता है परंतु इन दोनों का गुणनफल शून्य होता है, है ना, तो इसका जो गुणनफल है डेल वी का मान तो बहुत कम होता है इसको शून्य मान सकते हैं और इसका मान बहुत उच्च होता है परंतु इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो शून्य होगा और इन दोनों का गुणनफल जब शून्य हो जाएगा तो डेल्टा ई का मान ऑटोमेटिकली ही शून्य हो जाएगा यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। क्या कहा हमने कि डेल्टा वी का मान ठोसों और द्रवों के लिए तो बहुत कम होता है क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होता है परंतु इसका मान बहुत उच्च होता है, पर अल्टीमेटली इन दोनों का
प्रोडक्ट जो है, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ये जीरो होगा, तो डेल्टा ई का मान भी जीरो हो जाएगा। और डेल्टा ई का मान जो है वो जीरो होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ठोस एवं द्रवों की आंतरिक ऊर्जा भी लगभग ताप का फलन मानी जा सकती है, जो कि जूल के नियम के अनुरूप ही है। इस प्रकार हमने जूल के नियम को आदर्श गैसों तथा ठोस व द्रवों को पर तीनों पर ही लागू कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।